और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस तरीके से जो थाली तैयार की जा रही है और इसकी जो प्राइस है सिर्फ 20 रुपये। हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज है महाशिवरात्रि और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार मैं इंडिया के अंदर मौजूद हूं और इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि इंडिया के अंदर जो शिवरात्रि किस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी पहुँच चुका हूँ शिव मंदिर और अंदर चलता हूँ और आपको जो है शिव जी के दर्शन भी करवाता हूँ। तो ये है कुछ बाहर का व्यू, तो देख सकते हैं इस तरीके से बाहर का व्यू है। सबसे पहले चलते हैं शॉप पे जहाँ से हम जो फूल माला और दिए लेंगे जो कि हम शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। तो फूल माला और दिए दे दीजिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके से जो थाली तैयार की जा रही है और इसकी जो प्राइस है सिर्फ 20 रुपये। तो ये है इंडियन करेंसी, ये लो भैया, और ये 20 रुपये अपने ले लो। फूल और दिए ले लिए, आप चलते हैं मंदिर की ओर। फ्रेंड्स, ये है शिव मंदिर और ये शिव मंदिर का मुख्य द्वार है, तो अंदर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं मंदिर काफ़ी खूबसूरत है और लाइटों से देख लो कितने अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। और सभी लोग जो सबसे पहले जो और शिवलिंग पे जल और फूल माला चढ़ा रहे हैं। तो ये मंदिर के ऊपर की साइड का व्यू है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर। तो ये देख सकते हैं सभी जो भक्त शिवलिंग पे फूल माला और जल चढ़ा रहे हैं। सो हम भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो हम भी फूल माला और दिए चढ़ाएंगे शिवलिंग पे। तो ये देख सकते हैं सभी भक्त जो पूजा पाठ में इस वक्त व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी बारी भी आ चुकी है, हमने भी जो शिवलिंग पे दिए और जल चढ़ा लिया है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से जो वो यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। और फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर मैं जो वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा हूँ, तो भगवान जी ने मुझे बहुत शुभ टाइम पे जो मौका दिया। और अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर। सो फ्रेंड्स, जल वगैरह चढ़ाने के बाद हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे जो दिए जलाए जाते हैं जो कि यहाँ पे शुभ माना जाता है। तो ये देखें सभी यात्री जो दिए जला रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोटा ले सकते हो और शिव जी को जल चढ़ाने के बाद वापस यहीं पर रख दो और ये टोकरी हम बाहर रख देंगे। तो अभी आपको हम मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। और ये इंडिया के अंदर मेरी पहली शिवरात्रि है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देख सकते हैं सभी यात्री जो धूमधाम से शिवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मंदिर को पूरे लाइटों से सजाया हुआ है, जिससे मंदिर का लुक कितना खूबसूरत हो चुका है। और ये देखें पूरा मंदिर जो लाइटों से जगमगा रहा है। सो यहाँ पे नमस्कार के बाद अब समय हो चुका है आरती का, तो आरती भी आप लोगों को दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस तरीके से जो आरती की जाती है, तो आपको पास से दिखाते हैं। ये देखें इस तरीके से यहाँ पे आरती की जाती है। हर हर महादेव। तो ये देख सकते हैं पंडित जी जो आरती वगैरह कर रहे हैं। दूसरे सर दे सकते हैं सभी भक्त जो आरती का आनंद लेते हुए। सो इस तरीके से आरती जो की गई है बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स नमस्कार, और आरती के बाद अब चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पे कुछ भक्त जो भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, तो वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं यात्री जो भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं। और ये इंडिया के अंदर मेरी पहली शिवरात्रि है और ये हमेशा याद रहने वाली है। तो देख सकते हैं इस तरीके से जो यहाँ पे शिवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है दीयों के साथ, अगरबत्ती के साथ, और आरती करके और शिवलिंग पे जल चढ़ा के और दूध चढ़ा के। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और पूरे मंदिर का लुक देख सकते हैं लाइटों की वजह से कितना खूबसूरत हो चुका है। और यहाँ पे फ्रेश फ्रेश फूल भी लगाए गए हैं, जिससे पूरा मंदिर महक रहा है। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत व्यू इस शिव मंदिर का।
तो कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स चलते हैं आप आगे की ओर और दूसरी साइड पे भक्त जो वो पूजा पाठ में लगे हुए हैं और इस तरफ जो वो प्रसाद दिया जा रहा है भक्तों को। तो यहाँ पे इस तरीके से जो दिए वगैरह चलाए गए वो यहाँ पे देख सकते हैं माता जी जो पूजा पाठ कर रही हैं। तो देखें यार इंडिया के अंदर कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करना यादगार ही रहता है। तो ये देखें इस तरीके से जो यहाँ पे पूजा वगैरह की जाती है और शिवरात्रि को सेलिब्रेट करके बहुत अच्छा लग रहा है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि इंडिया के अंदर जो इस तरीके से शिवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो अब चलते हैं हम हनुमान मंदिर की ओर। तो ये है हनुमान मंदिर, तो देख सकते हैं हमारे बजरंगबली और मंदिर काफ़ी खूबसूरत है और ये देखें हनुमान जी मुस्कुराते हुए। सो फ्रेंड्स नमस्कार, वगैरह कर ली हमने, अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। तो ये देखें कितने खूबसूरत जो मंदिर का लुक है और ये था शिव मंदिर, दर्शन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फ्रेंड्स अभी चलते हैं बाहर और आपको जो मंदिर के बाहर के व्यू दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मंदिर के बाहर भी शिव भक्त जो शिवरात्रि की खुशी में झूम रहे हैं। तो ये था बाहर का व्यू। ये था इंडिया के अंदर मेरा पहला शिवरात्रि सेलिब्रेशन और मंदिर से भी मैं रूम पे आ चुका हूँ और आप लोगों को मैं भंडारा वगैरह नहीं दिखा पाया बिकॉज इंडिया के अंदर जो भंडारा दिन के टाइम ही चला दिया जाता है। सो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। हर हर महादेव।